इससे पहले कि हम दुआएं बानी करें, कुछ बातें करना चाहता हूँ थोड़ी सी। सुनिएगा जरा ध्यान के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात कर रहा था कि जैसे कि अभी पूरे लोग नहीं आए, लेकिन जितने आ चुके हैं इनके लिए भी बैठने के लिए जगह नहीं है, मतलब कि दरियों शरियों का मसला है। तो सादिक साहब से भी मैंने कहा है और फिर हम खुद से भी प्रॉपर तरीके से इसको करने वाले हैं, लेकिन बेहतर तरीका पता क्या होता है? बेहतरीन तरीका ये होता है कि चर्च अपने इंतजाम खुद से करे। अगर एक बंदे पे छोड़ेंगे मुमकिन नहीं है, हालांकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और करना भी है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना ये इस बरकत में आप लोग हिस्सेदार हों कि हम सब मिलके ये काम कर लें, ठीक है। अगले संडे से जब आप जाएंगे ना वो दरिया लेने के लिए, तो आप मुझे फोन पे बता देना पैसे कितने होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई इस खिदमत में हिस्सा डालना चाहे तो डाल सकता है इस खिदमत में, ठीक है। बाकी ये चंदा भी उसी में आपने काउंट करना है, ठीक है। जब तक हमारा ये जो मेन मेन चीज़ें हैं ना, जब तक कंप्लीट नहीं ना होती, मैं हदिया नहीं लेके जाने वाला। वैसे भी बाइबल के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, कहते हैं तुम लोगों को मुफ्त मिला इसलिए तुम लोगों को कदर नहीं है। कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए पिछली कलीसिया को लूटा, तुम्हारे लिए पिछली कलीसिया को लूटा ताकि उनसे उजरत, उजरत यानी कि चंदे लूं और तुम्हारी खिदमत करूं। पादरी का काम पता क्या होता है? अगर वहां पे भी कोई सुन रहा है, पादरी का काम होता है कलीसिया से पैसे, जो भी चंदा इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करे और इस चंदे के साथ मजीद आगे कलीसिया कायम करे। मेरा पेट पालने के लिए चंदा नहीं है, आपको भी कह रहा हूं, ये मेरा पेट पालने के लिए चंदा नहीं है। फुल टाइम जो मुनाद होते हैं ना, जो फुल टाइम खिदमत करते हैं, ठीक है, जिन्होंने नौकरियां नहीं करते, उन्होंने आप लोगों की दया यकियों के साथ अपने घर चलाने होते हैं, ठीक है, जो दया यकियां आप लोग देंगे, हदिये नजराने देंगे। लेकिन वैसे जो चंदे इकट्ठे होते हैं, ये चंदे खिदमत में सर्व होते हैं। मैं अब इन बातों को जब करता हूं तो बड़े लोग खिलाफ हो रहे हैं, पहले सौओं में थे, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ हजारों में मेरी मुखालफत हो रही है, मल्टीमीडिया पे मेरे खिलाफ खड़े हो गए लोग, और मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ लाखों में लोग मेरे मुखालफ हो जाए, लेकिन मैं सच्चाई बयान करने से मना नहीं होने वाला। जो सच्चाई है वो यही है कि कलीसिया कायम करने के लिए चंदे इकट्ठे होते हैं कि हम मजीद आगे यहां से चंदा लूं, आगे को नई कलीसिया कायम करूं, जाके वहां पर उनकी जरूरतों को पूरा करूं। ये है कलीसियाई सिस्टम। इसलिए दरियों की जरूरत है, आगे जाके हम लोगों को साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है, एक मिनी साउंड सिस्टम, चार माइक जिस पे चलते हैं, वो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, शायर पानी ये वो सारा सिस्टम हम लोगों को करना है, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता। मैं चाह रहा हूं अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से साथ खड़े हैं, दिल से आ रहे हैं, खुदावंद के बोझ को बोझ समझ के आ रहे हैं, तो आप लोग भी बोझ समझ के प्रॉपर तरीके से खिदमत में और फिर इस कलीसियाई खिदमत का हिस्सा बनिएगा। हालेलुया। तो खुदावंद आप सबों को बरकत दे। दुआएं पानी करेंगे। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ जो उसने अपने शगीदों को सिखाई। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, बनी इसराइल कौम के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, और बिलखसूस इस पूरी हाजिर जमायत के साथ और पूरी एफएम की मसीही खानदान टीम के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। सब आवाज़ें बुलंद बोलेंगे आमीन। खुदावन आप सबों को बरकत दे। मीटिंग इबादत बर्खास्त है, कोई रुकना चाहता है रुक सकता है, जाना चाहता है जा सकता है।